हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कई तथ्य आपने सुने होंगे। एक ऐसी सभ्यता जहाँ के लोगों ने हजारों साल पहले आश्चर्यजनक तरीके से जिंदगी जीने के तरीके खोज लिए थे। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर मोहनजोदारो, वो शहर जहाँ हजारों साल पहले ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यता दुनिया के नक्शे से गायब हो गई? मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5 किलोमीटर के इलाके में बसा था। करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 100 साल पहले ही हुई थी। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता की सैकड़ों जगहों का पता लगाया जा चुका है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदाड़ो। यहाँ खोजकर्ताओं ने कई सालों तक काम करके जमीन के नीचे से पूरा शहर खोज निकाला था और यहाँ कई जगहों पर कंकाल मिले, इसीलिए इस शहर को मोहनजोदाड़ो कहा जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो कुछ भी जानती है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सभ्यता से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर जो इस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुटा था, उसे यहाँ जमीन में धसी कई पुरानी ईंटें मिली जो दिखने में बिल्कुल आज की ईंटों जैसी थी, लेकिन काफी मजबूत थी। जब पास के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव का हर घर उन्हीं ईंटों से बना है जो यहाँ जमीन की खुदाई करने पर मिलती है, तभी वो इंजीनियर समझ गया यह ईंटें मामूली ईंटें नहीं है। तब पहली बार चार्ल्स मैशन ने 1826 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसके बाद दयानंद सहानी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक खोज। मोहनजोदारो में लोगों के रहने का तरीका सबसे हैरान कर देने वाला है। मोहनजोदारो हजारों साल पहले तब के यूरोप और अमेरिका से भी ज्यादा विकसित था। ये शहर पूरे 500 एकड़ में फैला था जो उस वक्त के शहर के हिसाब से बहुत बड़ा था। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है कि एक बड़े से दरवाजे से शहर का रास्ता खुलता था। यहाँ कुछ ऐसे बड़े घर भी मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक होते थे। यहाँ घर बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वो कोई आम ईंटें नहीं थी बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें थी। यहाँ के स्नान घरों में और नालियों में जो ईंटें इस्तेमाल हुई थी उन पे जिप्सम और चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी हालत में पानी को बाहर नहीं निकलने देती थी। इससे ये पता चलता है कि मोहनजोदारो के लोग चारकोल जैसे तत्वों के बारे में भी जानते थे जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद खोजा था। यह माना जाता है कि दुनिया को कुएं की देन हड़प्पा सभ्यता ने ही दी थी। इस शहर में 700 से ज्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। यहाँ खुदाई में कई ऐसी चीजें मिली हैं जिससे ये समझा जाता है कि इस सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में भी काफी विश्वास रखते थे। मोहनजोदारो कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में पानी और गंदगी को निकालने के लिए नालियां बनाई गई थी। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में इतने जागरूक थे जितने शायद आज के लोग भी नहीं हैं। आप ये जानकर फिर से हैरान होंगे कि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट हुआ करता था, और टॉयलेट भी ऐसा जिसे आज हम वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट कहते हैं। मोहनजोदारो का एक रहस्य ऐसा है जो आज तक कभी नहीं सुलझ पाया, वो ये है यहाँ से खुदाई में निकली चीजों पर कौन सी लिपि की बनावट है, इसे वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए। अगर यहाँ की भाषा वैज्ञानिकों को समझ में आ जाए तो यहाँ छुपे हजारों साल पुराने कई राज सामने आ सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल खोजा गया जिसका आकार 900 स्क्वायर फीट था। इसे ग्रेट बाथ नाम दिया गया। इसे एक ऐसी टेक्निक से बनाया गया था जिसके तहत इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाथ जिसे काफी पुराना और ऐतिहासिक माना जाता है वह हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों साल बाद बनाया गया था। मोहनजोदारो में किसी भी मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले।
लेकिन यहाँ मिले एक सील पर तीन मुख वाले एक देवता की तस्वीर मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा है। सबसे पहले स्वास्तिक का निशान भी मोहनजोदारो में ही मिला था। और तो और, यहाँ असम की देवियों की मूर्तियां भी मिली है। इसका मतलब है यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ देवियों की मूर्तियों के अलावा सिर्फ एक शिवलिंग मिला है, जो इतिहासकारों के अनुसार 5,000 साल पुराना है। 1999 में यहाँ एक हैरान कर देने वाली खोज हुई। वैज्ञानिकों की कई घंटों की मेहनत के बाद यहाँ की जमीन में मिट्टी के नीचे दबे उस वक्त की लिपि के कुछ अक्षर व चिन्ह मिले। जांच करने के बाद पता चला कि ये एक लकड़ी का बड़ा बोर्ड हुआ करता था, जिसे इस शहर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से वैज्ञानिक इस भाषा को नहीं समझ सकते। जिस दिन उनकी लिखावट समझ में आएगी, उस दिन शायद मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा। इस सभ्यता के लोग कितने विकसित थे, इसका एक और उदाहरण ये है कि उस समय उन लोगों ने अपने शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए शहर के बाहर एक बड़े बांध का निर्माण किया था। और यही नहीं, इस बाढ़ के पानी को वो लोग छोटे छोटे टैंक्स जो शहर के बाहर चारों ओर बनाए गए थे उनमें जमा करते थे। इस पानी का इस्तेमाल पूरा शहर तो करता ही था, बल्कि पूरे साल भर वो लोग खेतों के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल करते थे। आज के समय में इस जगह के गांव में बारिश के मौसम में पूरा पानी भर जाता है, लेकिन आज से 4,000 साल पहले यहां रहने वाले लोगों ने इसका हल निकाल लिया था। आज भी हमारे शहरों में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या रहती है, और इसके बावजूद हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका यूज नहीं करते। मोहनजोदारो में खोजकर्ताओं ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की खोज की है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ के लोग लोहे, तांबे, पीतल और लकड़ियों के आभूषण, हथियार और तो और सोने की कलाकृतियां बनाने में भी निपुण थे। यहाँ भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं, जो मिट्टी के सरफेस पर एक खास तरह के खांचों से बनाए जाते थे। आज के कई सारे आधुनिक खिलौने भी यहाँ खुदाई में मिले हैं, जो मिट्टी के बने थे। और तो और, यहाँ के लोग शतरंज जैसे खेल भी खेलते थे। मोहनजोदारो में व्यापार बड़े पैमाने में होता था। उन दिनों कोई भी मुद्रा नहीं चलती थी, बल्कि चीजों की अदला बदली से ही व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्र के रास्ते भी दूसरे देशों से व्यापार करते थे, और इसके सबूत मिले हैं अबू धाबी में। वहां के खोजकर्ताओं को एक कुआं मिला है, और इस कुएं में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कई चीजें भी मिली है, जो दिखाती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग में 3,500 किलोमीटर तक की दूरी तय करते थे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली चीजों की कार्बन डेटिंग के बाद कुछ तथ्य सामने रखे हैं, और इनसे ये पता चलता है कि मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता के विलुप्त होने की बड़ी वजह थी। धीरे धीरे नदियों ने अपनी धाराएं बदल ली, पानी की भयंकर कमी हो गई, साथ ही खराब मॉनसून इस सभ्यता के लिए मुसीबतें लेकर आ गया और ये सभ्यता विलुप्त हो गई। मोहनजोदाड़ो वो सभ्यता थी जो अगर विलुप्त ना होती तो इंसान आज और भी तरक्की कर चुका होता। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।